हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। कल कराया था मैंने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसमें बहुत से लोगों ने टेस्ट दिया है, बहुत से लोगों ने बहुत सी गलतियां की। किसके आए सबसे ज्यादा नंबर और उस मॉक टेस्ट से आपको क्या सीखने को मिला, ये सब देखेंगे। आपने क्या गलतियां की ये भी देखेंगे, जिन लोगों ने अच्छा किया उन्होंने क्या बढ़िया किया ये भी देखेंगे, प्लस उनके ज्यादा मार्क्स आने के बावजूद उनमें कुछ गड़बड़ियां थी उनके बारे में भी हम देखेंगे। ऑल दो आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम आज था प्लस कल भी है, तो उस एग्जाम का रिव्यू लाएंगे। दो चार शिफ्ट हो जाए, पहले थोड़ा सा पता चल जाए कैसा पेपर था, क्या था, फिर देखा जाएगा कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या हुआ है एंड ऑल। लेकिन जो ये मॉक टेस्ट में जिनके मैं नंबर बताऊंगा, किन लोगों को अब मानना चाहिए कि हाँ उनकी प्रिपरेशन बढ़िया थी और उनका सिलेक्शन जो है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में निकल ही जाएगा, जिन लोगों ने मॉक में अच्छा परफॉर्म किया है। तो किन लोगों को ये मानना चाहिए कि हाँ उनकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, कैसा भी मतलब एग्जाम होगा आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है, उसकी भी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड की है। एंड किन लोगों को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उसकी भी एक लिस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब कोशिश करेंगे कि पीओ मेंस के लिए और क्लर्क्स के लिए कुछ ना कुछ ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराते रहें। ऑल दो कुछ मॉक देते टाइम जो ऑनलाइन आपने दिया डीआई को लेकर के कुछ इश्यूज थे, डीआई के फिगर डिस्प्ले नहीं हो रहे थे, जिसको बाद में धीरे धीरे रिजोल्व किया गया, बट एक डीआई में फिर भी दिक्कत रही, वो नेक्स्ट टाइम से अब नहीं होगी, ठीक है। देखिए, पहली तो एक बात मैं कहूंगा वन टू ऑल सबके बारे में कि इंग्लिश की परफॉर्मेंस सबकी जो थी वो बहुत खराब थी। एक की दो की बात भले छोड़ दें, मे बी एक दो लोग की अच्छी थी, ठीक है, ठीक थी, अच्छी की बात नहीं करूंगा, लेकिन बाकी सबकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत खराब थी। एंड आप मैथ्स में 30 नंबर ले आइए, आप रीजनिंग में 30 नंबर ले आइए, लेकिन इंग्लिश में अगर आप 2 नंबर लाएंगे 3 नंबर लाएंगे तो फिर सिलेक्शन की जो चांसेस हैं यार वो नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ ही जब आपकी नहीं निकलेगी फिर आप कैसे करोगे। मतलब थोड़ा सा सोचने समझने वाली बात है कि इंग्लिश पे फोकस करने की जरूरत है। एंड एटलीस्ट गोल्डन करियर के जितने भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, दिया, अब तो ये मॉक टेस्ट बंद हो गया है, ठीक है, वो लोग की इंग्लिश की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत खराब है, ठीक है। आप लोगों ने मेहनत नहीं की है, इस मामले में आपको इम्प्रूवमेंट करना ही होगा अगर आप कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, गड़बड़ है परफॉर्मेंस वो ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं सुधारी नहीं जा सकती है, बिल्कुल सुधारी जा सकती है। एंड पीओ का जो मेन्स होता है बहुत टफ आती है इंग्लिश, तो उसके लिए प्रिपरेशन और अच्छे से करने की जरूरत है, प्लस क्लर्क के प्रीलिम्स में भी अभी है, ठीक है। कुछ लोगों ने मॉक टेस्ट पूरे नहीं दिए तो उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे, दे आर नॉट सीरियस अकॉर्डिंग टू मी, मे बी उन्हें टेस्ट ही ठीक नहीं लगा हो भाई हमारा, ये भी हो सकता है एक रीजन ये भी, बट अगर है वो सीरियस नहीं है अलग बात है, ठीक है, उनकी बात छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैक्सिमम लोगों ने मुझे टेस्ट पूरा दिया है, ठीक है, तो मार्क्स की अगर हम पहले बात करें तो सबसे ज्यादा जो टॉप 10 में है ना वो मार्क्स यहाँ पर हैं, केजल हादवानी के कुछ 59 के आसपास मार्क्स हैं, फिर विश्वरंजन मिश्रा के आई डोंट रिमेम्बर 54 के आसपास हैं, ठीक है, देन जो लास्ट मार्क्स भी हैं वो 45 के आसपास ही हैं, तो 50 से 59 के, 45 से 46 से 59 के बीच ये टॉप 10 के हैं। केजल हादवानी की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही, 59 मार्क्स का किया, विश्वरंजन मिश्रा 54 मार्क्स, देन चारू के भी 50s में थे आई थिंक, एंड ऋतुराज, पंकज दत्त, नेहा पांडे, नेहा पांडे ने अच्छा स्कोर किया था, जबकि टॉप के जब 100 लोगों ने टेस्ट दिया था उसमें नंबर 1 पे थी ये, 48 मार्क्स थे इनके, तो नेहा आपकी भी परफॉर्मेंस जो रही है बहुत ही बढ़िया रही है। मुझे लगता है कि केजल, विश्वरंजन, चारू, ऋतुराज, पंकज दत्त, नेहा, ईशिवा, अनुभव सिंघल, यश गिरधर, ठीक है, और शेखर सरकार, या एक दो लोग और नीचे के रहे होंगे, मैंने टॉप 10 ही उठाया है, ठीक है। आप लोग को होपफुल रहना चाहिए, आप लोग को मतलब कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंदर से कि हाँ आपने बहुत बढ़िया किया, रियली आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एंड आप लोग अच्छा कर सकते हैं, एंड आप डेफिनेटली कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्द निकाल लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो बाकी लोग हैं वो भी निकाल लेंगे, ठीक है, इवन जो 40 के ऊपर लाए हैं वो भी निकाल देंगे। इनिशियली मैंने जो पासिंग मार्क्स रखा था वो 40+ रखा था, मुझे लग रहा था इस मॉक में 40+ आराम से स्कोर किया जा सकता है, ठीक है, और बाकी जो लोग हैं आप शेखर, अनुभव, नेहा, आप सब लोग को भी पता होगा कि 40+ जो है वो स्कोर करना कितना जो है इजी था, बहुत टफ नहीं था इस एग्जाम में, फिर भी लोगों ने नहीं क्लियर किया, तो मैंने पासिंग मार्क्स उठा के 35 किया था, 30 या 35 किया, ठीक है, ताकि लोग डिमोटिवेट ना हो। एंड थोड़ा सा इशू ये भी था कि मॉक टेस्ट में फेल डिस्प्ले कर रहा था, वो फेल डिस्प्ले नहीं करना चाहिए था, वो देखेंगे उसमें कुछ किया जाएगा कि इम्प्रूवमेंट की आपको जरूरत है, आप फेल नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप उस टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट एग्जाम में डेफिनेटली बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है कि किन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और किन लोगों को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अन्यथा कोई और रीजन ना रहा हो
उसके पीछे, ठीक है, मॉक आपने छोड़ दिया हो अलग बात है, तो वो लिस्ट डाउनलोड करने के लिए एंड आपको कैसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको वेबसाइट पे जाना होगा www.goldencareer.co.in, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना होगा, अगेन यहाँ पर क्विज का रिजल्ट है, इसमें आपका नाम और आपको क्या जरूरत है करने की ये मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड करने आइएगा। तो एज यूजुअल अब तो ऑनलाइन मॉक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, डेवलपमेंट में खर्चा आता है, एक दो ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। बाकी चीजों की बात हम अभी करते हैं। देखिए अब बाकी चीजें ये हैं कि परफॉर्मेंस जो लोगों ने दी ना मैथ्स एंड रीजनिंग में अच्छी दी, ठीक है, एंड मुझे लगता है अगर DI डिस्प्ले हो रही होती सबके में 2-3 नंबर और ऐड हो जाते। लेकिन अच्छा कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे नेहा ने जब एग्जाम दिया मैंने देखा था, या इनसे पहले जिन्होंने एग्जाम दिया उस टाइम पे DI 3 जो DI थी वो डिस्प्ले नहीं हो रही थी, ठीक है, तो शायद DI डिस्प्ले हो रही होती तो इन लोग के मार्क्स और ज्यादा आते। हाँ लेकिन किसी की भी परफॉर्मेंस इंग्लिश में अच्छी नहीं थी, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसने इंग्लिश में 15 नंबर 20 नंबर स्कोर किया हो। अब आप बताइए कैसे करेंगे आप लोग, भगवान न करे, लेकिन जैसा कि लोग कह रहे हैं, अच्छा कुछ लोग तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई वीडियो डालिए तो उस पे जो है बहुत ही एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑल दो शायद उनके माँ बाप ने सिखाया होगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ मैं एक बार फिर से CET की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लोगों ने उसी वीडियो पे जो है एब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया था, मुझे समझ में नहीं आता है लैंग्वेज ऐसे यूज करने का रीजन क्या है। आपसे मैं शायद कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, शायद मैं किसी भी ऑनलाइन मॉक के लिए भी पैसा नहीं ले रहा हूँ, इवन मेरा एक प्लान ये भी है कि फ्री मॉक्स और प्रोवाइड किए जाए आपको, फिर भी खैर अपनी अपनी सोच है सबकी, जिसकी जितनी सोच है उतना ही कर पाता है। लेकिन अगर आप मानिए CET में इंग्लिश का वेटेज भी इक्वल रहा मैथ्स एंड इंग्लिश के, ठीक है, सिंगल एग्जाम क्वालिफाई अगर आपको करने का कुछ ऐसा होता है कि नहीं बैंक के लिए भी एप्लीकेबल होगा और सबके लिए है, तो उस टाइम क्या करेंगे? आपको 1 साल प्रिपरेशन करते हो रहा होगा मेरे ख्याल से, आप सभी को जितने लोग एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? डेफिनेटली आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं इंग्लिश जितना मुझे लग रहा है। अगर आप फोकस कर रहे होते सिर्फ 3 चीजें करनी है, इंग्लिश सिर्फ 3 चीजों से आपको आ जाएगी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ लीजिए, मूवीज इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में मूवीज अगर वीक में 2 से 3 भी देख लेंगे तो काम चल जाएगा, न्यूज़पेपर डेली इंग्लिश का पढ़ लीजिए, वोकैबुलरी नोट कर लीजिए। ये 3 चीज जिसने लगातार 3 महीने कंटिन्यूअस कर ली, उसकी समझ में आए ना आए वो 3 महीने करता जाए, इंग्लिश मूवीज देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा बट फिर भी आप देखिए, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो ये अगर 3 चीजें आपने कर ली तो इंग्लिश आपका वीक पॉइंट नहीं रह जाएगा, प्लीज करिए इसको, ठीक है। और IBPS का एग्जाम, SBI का एग्जाम निकालना है आपको तो इंग्लिश तो इम्प्रूव करना ही करना होगा, ठीक है, इन चीजों से आपको सीखने की जरूरत है। दूसरा मैंने देखा कि आप लोग के रिजल्ट में कि सब लोग किसी न किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे थे, मैंने देखा किसी किसी क्वेश्चन में आपने 2 मिनट 2.5 मिनट भी दिया है, सिंगल क्वेश्चन पे आप प्रीलिम्स एग्जाम में अगर 2-2.5 मिनट दे, ज्यादा नहीं लेकिन 1-2 क्वेश्चन सबकी रिजल्ट में ऐसा रहा है जिसने 2-2.5 सेकंड आप लोग 2-2.5 मिनट आपने स्पेंड कर दिए हैं सिंगल क्वेश्चन पे जब रिजल्ट आपके एनालाइज किए, ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है। आप 2-2.5 मिनट प्रीलिम्स में नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आपको 40 सेकंड में कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा होता हुआ, प्लीज आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करिए, 40 सेकंड गए गए, ठीक है। अब आप उस पर अगर 3 मिनट लगा देंगे तो मे बी आप अपने 2 मिनट 20 सेकंड और वेस्ट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है 2 मिनट 20 सेकंड में आप किसी और टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन कर लें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और अगर यहाँ पर कुछ और चीजों की बात की जाए तो मैथ्स एंड रीजनिंग में सभी की परफॉर्मेंस बढ़िया रही है, ठीक है, जितने भी लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, पास रहे हैं, उन सब की जो परफॉर्मेंस रही है वो एकदम अच्छी रही है, किसी ने कोई गलतियां नहीं की हैं एंड निगेटिव मार्किंग भी कमी रही है। ऑल दो 7-8 क्वेश्चन आप लोग के गलत हो रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा है मेरे ख्याल से, 3 से 4 क्वेश्चन तक आप निगेटिव मार्किंग को, मतलब 1 नंबर से ज्यादा निगेटिव ना होने दे, टोटल 4 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा, उतने तक ठीक है, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करिए तो ये आपके लिए बेटर होगा। बाकी जिनका IBPS PO का एग्जाम हो गया है बहुत बढ़िया है, प्रिपरेशन जारी रखिए, अभी आपको प्रीलिम्स कोई भी हो जाने से, फेल हो जाने से, पास हो जाने से कुछ हासिल नहीं होता है, आपको तब तक लगातार पढ़ते रहना है जब तक आपके हाथ में एक PO लेवल की नौकरी ना आ जाए। मैं कभी नहीं कहता हूं कि क्लर्क लेवल की नौकरी आ गई आप जो है पढ़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है, सबका जो एम होता है वो PO का ही होता है, और मैं चाहता हूँ आप PO बने एंड आप सब में एबिलिटी है बन जाने की, बशर्ते आप मेहनत थोड़ा ज्यादा करें, ठीक है, जितना कहा जा रहा है उतना करें। एंड लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो DI की दिक्कत थी वो अब रिजोल्व हो गई है, अब नेक्स्ट जो क्विज आएंगी उनमें सब कुछ होगा, और अब हम लाएंगे आपके लिए डेली क्विज, ठीक है, वो कम क्वेश्चन की होगी, ऐसी नहीं होगी 20-20-30-30 क्वेश्चन की क्विज होंगी, डेली क्विज आएंगी,
जो यूजर हर दिन क्विज को अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, ईच एंड एवरी डे क्विज को अटेम्प्ट करेगा, एंड क्विज को अटेम्प्ट करने के मतलब अगर 15 डेज तक, ठीक है, वन मतलब 1 से 14 तारीख तक की हर क्विज आपने अटेम्प्ट की, फिर 15 को हम विनर का जो है वो बताएंगे कि किसके मार्क्स ऑन एवरेज सबसे ज्यादा रहे हैं, और उसको हम कांटेक्ट करेंगे उससे, एंड उसको हम घर पे कुछ गिफ्ट भेजेंगे, ताकि इससे क्या होगा, आप लोग का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़िए, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कोशिश करिए कि कुछ दिन पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट करने के बाद बढ़िया स्कोर करें, ताकि आपको भी गिफ्ट मिल सके कुछ, एंड आपकी प्रिपरेशन, जो मेन मेरा मोटो है कि प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, एंड प्रिपरेशन अच्छे से होगी तो डेफिनेटली आपके हाथ में जॉब आ ही जाएगी, वो सबसे बड़ा गिफ्ट हो जाएगा आपके लिए अगर आपको नौकरी मिल जाती है, एंड हमारे लिए भी एक बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा कि एक और गोल्डन करियर के मेंबर को, सब्सक्राइबर को जॉब मिल गई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड अभी लिस्ट डाउनलोड करने जाइएगा या कुछ भी डाउनलोड करने जाइएगा तो एक ऐड पर जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू।